अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस वक्त सेक्टरी टूरिज्म के ऑफिस के बाहर मुजफ्फराबाद में, और ये सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है और थोड़ा खूबसूरत से तराशा हुआ है। तो ये पूछते हैं जनाब ख्वाजा खुर्शीद साहब से। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, ये क्या चीज़ है सर, ये इतना क्या कमाल चीज़ बनी हुई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इन्होंने खुद अब आजकल के दौर में इन्होंने एक चीज़ डेमोंस्ट्रेट करने के लिए बनाई है। पहले ज़माने में देहातों में ऊनी कंबल बना करते थे, बड़े छोटे लोई जिसको कहते थे, अच्छा, उसको धोने के लिए ये इस तरह के पत्थर का एक बना के उसके अंदर पाँव से लताड़ा करते थे। अच्छा, इसमें क्या करते थे कि कंबल को, कंबल जो है ना वो धोने के लिए, उसकी मेल कुचेल उतारने के लिए उसको इसमें डाल के ऊपर पाँव से खूब अच्छी तरह लताड़ी करते थे। अच्छा, ताकि कंबल साफ हो जाए। कंबल साफ हो जाए और इस तरह की और चीज़ें जो लिहाफ वगैरह ज़्यादातर इसमें कंबल लोई जिसको कहते हैं, ठीक है, ऊन के बनी हुई, इसको कहते क्या है इसको? इसको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, का मखसूस नाम होता है,